विदिशा के मोहनगिरी स्थित पानी की टंकी में स्थायी कर्मी के पद पर पदस्थ राजपाल यादव द्वारा सफाई का कार्य किया जा रहा था। तभी टंकी में सिर्फ 1.5 फीट पानी ही था और राजपाल का पैर फिसलने से वो पानी में गिर गया। उसको गंभीर चोट नहीं आई थी, उनकी सांसें चल रही थी। नगरपालिका CMO सुधीर सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी गाड़ी से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नाम है और कहाँ? सर, अभी जो डेड बॉडी आई है, क्या मामला है? ये हमको ये बता रहे हैं कि अभी कहीं पे टंकी में इनका पैर फंस गया था। अच्छा। तो पैर में चोट होने का चोट दिख रही है, पर अपन को ऐसा कुछ, जब वो लाए थे तो ब्रॉड डेड थे, मृत अवस्था में थे। उसका ECG कराया तो ECG में भी कुछ नहीं है, और अपन ने वो पुतली भी फैली हुई थी, पल्स भी नहीं थी, ना रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं था, जिस कारण से हमने उनको मृत घोषित किया है। तो अब उनका कारण का अपन जानने के लिए उनको पोस्टमार्टम के लिए अपन ने बोला है, पोस्टमार्टम हुआ तो वो अपन श्योर हो सकते हैं। जो पैर में चोट है उसकी, उससे अपन को इतना नहीं लग रहा है कि पैर के कारण चोट हो सकती है, तो अपन पोस्टमार्टम में इससे क्लियर होगा। क्या मामला है? नगरपालिका कर्मचारी पानी में डूब के खत्म हो गए टंकी के अंदर। घटना हुई है हमारे मोहनगिरी की पानी की टंकी पर। वो टंकी सफाई का काम चल रहा था, टंकी में पानी नहीं था, केवल 1.5 फीट के लगभग पानी था, और उस पानी को घोल करके स्कार किया जाता है, यानी पानी को बाहर पाइपलाइन के सहारे छोड़ा जाता है। उसी पानी को घोलते समय उसका पाँव, इसका नाम है राजपाल यादव, 52 साल का हमारा स्थायी कर्मी कर्मचारी था, ये जल प्रदाय में काम करता है, तो उसी में बोलते समय इसका पाँव फिसल के उस स्कार के पाइप में फंसा तो चिल्लाया कि मेरा पाँव फंस गया, निकालो। तो अभी हम लोग को देखे हैं, थोड़ा चोट के निशान हैं घुटने के, तो कर्मचारी ने उसको निकाला, टंकी से बाहर किया, तो टंकी से बाहर करते समय तो वो होश में रहा। जैसे ही टंकी से बाहर आया, उसके बाद धीरे धीरे उस पर बेहोशी छा गई, और उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। तो उसी अवस्था में नीचे उतारा, मुझे सूचना मिली थी, मैं फटाक से पहुंच गया था वहाँ, और मैंने अपनी गाड़ी नहीं लाद करके, इससे पहले कि एम्बुलेंस आता मैंने अपनी गाड़ी से भेजा उसको यहाँ हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों ने इसका परीक्षण किया, लेकिन परीक्षण के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया। और किस कारण से? सर वो स्थायी कर्मचारी था क्या? सर ये स्थायी कर्मी कर्मचारी होता है, स्थायी कर्मी हाँ, विनियमित कर्मचारी था वो, यानी वो मस्टर पर काम करता था, और एक विनियमितीकरण योजना आई थी जिसमें मस्टर वालों को विनियमित नाम देकर के रेगुलर किया गया था, वही एक विनियमितीकरण का कर्मचारी था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।